हे hey गाइस, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सर जो मैंने थंबनेल पे लिखा उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा सर, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर लिखा है नीचे में मैंने लिखा है सर, ठीक है। नीचे मैंने मैंने क्या लिखा है, 5,000 का निवेश 5 खानदान बैठ कर खाएगा। आप लोग बोलेंगे यार कुछ भी लिख देता है, यार कुछ भी लिख देता है, 5,000 रुपये किसके पास नहीं है, 5,000 रुपये बताओ किसके पास नहीं है आज के डेट में 5,000 रुपये, बोलेंगे भाई सबके पास है। लोग बोलेंगे यार मैं तो इस कंपनी को छोड़ूंगा नहीं, मैं 5 क्या, मैं इसमें 50,000 लगा दूंगा। सर भले ही आपकी, मतलब क्या ही बोलूँ, आपकी एबिलिटी 10,000 हो, लेकिन आप लगा दोगे 50,000 रुपये, लेकिन सर आपका दिमागी काम करता उतना तो कहाँ से लगाओगे, आपका दिमागी काम करता 10% 50% कहाँ से लगाओगे। मात्र 5,000 का निवेश सर, मैं आपको बोला हूँ ना, 5 खानदान का मतलब कितने खानदान होते हैं सर आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो मैंने लिखा है ना सर, तोल नाप के लिखा है, नाप तोल के नहीं, तोल नाप के लिखा है सर। यहाँ पर मात्र 13 रुपये का स्टॉक, हालांकि ये 13 रुपये का नहीं था, 9 रुपये का ही था सर, आज ही ये 13 रुपये हुआ है सर, आज ही ये सर 13 रुपये हुआ है, 9 रुपये का शेयर था सर, 8% का नहीं सर, ये आपको 10% का डिविडेंड देता था, लेकिन स्टॉक का प्राइस बढ़ा तो डिविडेंड का परसेंटेज आज घट गया है सर, ठीक है। इस कदर सर अंबानी का हाथ था ऊपर से, भाई किसका हाथ था, अंबानी का। इन भाई साहब ने इस कंपनी को दे रखा था ऑर्डर, जिसके दम पे इस कंपनी के अंदर आज के डेट में तेजी देखने को मिली सर, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली सर। इतनी दमदार, इतनी बलवान, इतनी खूबसूरत कंपनी सर, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि इसको लेने के लिए सर क्या ही बताऊँ, मतलब कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मैं पर्सनली बोल सकता हूँ सर, मैं कुछ भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ सर, खरीद नहीं पाऊँगा मैं, क्यों नहीं खरीद पाऊँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए आइए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देख लीजिए सर, ठीक है। बताया जरा पेनी स्टॉक 5% अपर सर्किट, भाई सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात के है कि 5% का अपर सर्किट। लोग बोलेंगे भाई 5% क्या, स्टॉक मार्केट में तो 20-20% तक का अपर सर्किट देखने को मिल जाता है। मैं बोलूँगा सर ये छोटा है ये बड़ा है, समझने वाले लोग समझ जाते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं वो नहीं समझ पाते हैं सर, ठीक है। लोगों को लगता है ना कि 2 रुपये का स्टॉक छोटा होता है और 500 रुपये का स्टॉक बड़ा होता है, अरे यार मैं तो बोलूँगा सर पाकिस्तान के स्कूल अगर कोई कॉलेज वगैरह होगा ना, तो इससे ज़्यादा एजुकेटेड लोग तो सर मुझे लगता है वहाँ मिल जाएंगे सर। मतलब इतना बदनाम जगह है वो, इतना मतलब क्या ही बोलूँ पाकिस्तान के बारे में, लेकिन सर उनके स्कूल अगर कॉलेज भी रहेंगे ना सर, तो इतने एजुकेटेड लोग तो उनको मिल जाएंगे सर, याद रखिएगा, ठीक है। 2 रुपये का शेयर सस्ता नहीं होता सर, और 500 रुपये का शेयर बड़ा और महंगा नहीं होता सर, याद रखिएगा। उल्टा भी हो सकता है, 2 रुपये वाला बड़ा और महंगा हो सकता है, और 500 रुपये वाला इतना सस्ता हो कि फ्री में आपको मिल रहा हो, लेकिन समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है, और जो लोग नहीं समझते उनको कितना भी समझा दो नहीं समझेंगे, ठीक है। तो बताया जा रहा पेनी स्टॉक 5% आज भागा सर, सबसे बड़ा तकलीफ इसी बात का लगा। अपर सर्किट बताया जा रहा है, कंपनी कंप्लीट 31 करोड़ ऑर्डर बुक फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से सर, 31 करोड़ का ऑर्डर मिला था। आप लोग बोले कौन सी बड़ी बात है यार, 30 करोड़, मैंने देख रखा 1-1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक होते कंपनी के पास सर, आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। आपको आगे देखिएगा तो आपको पता चलेगा, उस कंपनी का नाम है सर गुजरात, यहाँ देख सकते हो गुजरात टूल रूम्स शेयर प्राइस है, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे तो सर नीचे अगर मैं आपको बता दूं तो एक मिनट, ये कंपनी का नाम देख लीजिए सर यहाँ पर पूरी तरीके से, क्योंकि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए देखिए सर, देखिए ये है वो कंपनी, आज देखिए ये 13 रुपीज़ में देखने को मिला, क्योंकि सर 5 रुपये वो ऊपर भागा सर यहाँ पर, सॉरी 5 रुपये नहीं, 5% ये ऊपर भागा सर, मतलब कुछ दिन पहले ये सस्ता मिलता था और नीचे मिलता था सर, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो सर ये कंपनी है ही सर 200 करोड़ की कंपनी, जो कि आज ये बनी है सर, पहले तो और भी छोटा था सर, ठीक है। और सर ये कंपनी देती कितना है अगर देखना चाहो तो डिविडेंड, तो भाई 7.54%, आज स्टॉक 5% भागा तो डिविडेंड ट्रेंड थोड़ा कम होता है सर, कभी भी ऐसा होता है अपडेट होगा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो 7.54% सर सोच लो, मतलब 7-8% तो सर ये आपको डिविडेंड दे देता है भाई, 7-8% तो ये आपको डिविडेंड देता है, और है सर मात्र 200 करोड़ की कंपनी सर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 179%, रिटर्न ऑन इक्विटी 170% सर, इतना ज़्यादा बहुत कम कंपनी में आपको देखने को मिलता है ये। अब लोग बोलेंगे भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, किस दम पे, तो सर इस दम पे कंपनी के पास पिछले बार 74 करोड़ का रिजर्व था, अभी सर 161 करोड़ का रिजर्व है सर, अभी 200 करोड़ की कंपनी है, आज 5% भागा है ना सर, 5% भागा है ना, अगर वो निकल देंगे तो 180 या 190 करोड़ की कंपनी थी, ठीक है। और सर 161 करोड़ का तो फालतू पैसा कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ है, बोरिंग तो सर डेट फ्री,
एक रुपए का कर्ज नहीं है सर इस कंपनी के पास, सोच लो सर। बस टेंशन इस बात की है कि सर प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है, तो लोग बोलेंगे यार प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है। मैं आपको बोलूंगा अगर किसी ने कमेंट किया या ये बताने की कोशिश की कि प्रमोटर के पास तो हिस्सेदारी है ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं है, ये तो छुपा लिया है, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे कंपनियाँ भी हैं इंडिया के अंदर, जैसे इन्फोसिस देख लीजिए, प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी बहुत कम है। सुजलॉन के पास देख लीजिए, हिस्सेदारी बहुत कम है। आईसीआईसीआई के पास देख लीजिए, एलएनटी के पास देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम बोला हूँ सर, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो, हिस्सेदारी क्या है सर, या तो जीरो है या तो 10-15% है। तो इन लोगों को सर थोड़ा बहुत समझ रहे हो ना, समझने की जरूरत है, लेकिन ये लोग समझते नहीं प्रमोटर। अरे भाई प्रमोटर मतलब क्या, हर बार यही लीच, मतलब कहने का मतलब ये तो इतने बुद्धिमान है कि केवल प्रमोटर की हिस्सेदारी देख लो और कंपनी खरीद लो, करोड़पति बन जाओगे। अरे सर जब इतना ही रहता तो इतना पढ़ाई, 25 साल पढ़ाई करने का क्या फायदा हो गया, तब तो सर इससे अच्छा कि चोरी करना सीख जाए यार, अजीब बात कर दो। 25 साल जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके बाद जाते हैं जॉब लेने के लिए, समझा करो यार। हाँ इतना आसान होता तो मुंह उठा लेते हैं लोग बिना ब्रश किए और बोलते हैं यार प्रमोटर नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा पूरी कंपनी के बारे में देखोगे तो हो सकता है कि सर लगभग आपको 3-4 महीने टाइम लग जाए, बात समझ में आ रही है, उसके बावजूद भी सर आप फाइंड ना कर पाए कि कौन सी अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो केवल एक चीज़ ना देखें, मैं बस आपको इतना बोलना चाहता हूँ। और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने उठाया 27% हिस्सेदारी सर केवल इस बार। फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो पूरे इंडिया में हर जगह अपना बेच रहे हैं, लेकिन ऐसी कंपनी में सर इन्होंने खरीदा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ तो ये स्टॉक मिल रहा है सर बहुत बहुत कम दाम में, पहले ये स्टॉक गया था सर 45 रुपीज़ में, कितना 45 रुपीज़ में, और अभी सर ये देखने को मिल रहा है सर मात्र अगर आप देखेंगे तो सर लगभग 10-15 रुपये के बाजू में, बॉटम के बाजू में आपको देखने को मिल रहा है सर। स्टॉक बॉटम का बॉटम है सर, बॉटम का बॉटम है सर, नॉट बॉटम, ठीक है, बॉटम का बॉटम है सर। इतना खतरनाक कि सर ढूंढते 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 समझ रहे हो ना सर, एक पीढ़ी पार हो जाएगी, ऐसा है सर। ऐसी कंपनियां बहुत कम मिलती है सर, एकदम ना के बराबर। इसके बिजनेस मॉडल के बारे में सर मैं एकदम पूरी तरीके से ब्यूटीफुल मैनर में सर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सर, कुछ दिन मुझे टाइम दीजिए, 3-4 दिन का टाइम दीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपके पास पूरी तरीके से एक वीडियो के अंदर तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वो मैं आपको बता दूंगा सर डिटेल में, ठीक है सर। उससे खतरनाक कंपनी ततो ये है सर, टपरिया टूल्स, ये सर 9 रुपये का शेयर है, आज सर ये भी 5% भागा है। अगर आप देखोगे तो सर ये डिविडेंड कितने परसेंट का देता है, तो सर डिविडेंड के बहुत खतरनाक देता है सर, 4.35% का तो सर ये आपको डिविडेंड देता, मतलब भाई शेयर इतने का और डिविडेंड। अब लोग बोलेंगे यार, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर ये स्टॉक तो चलता ही नहीं है, कहाँ चलता है सर, जब से है पहले तो ये भयानक तरीके से गिरा हुआ है, उसके बाद चलता है। सर ये कितने परसेंट का डिविडेंड दे रहा है आपको पता भी है, डिविडेंड सर लोग कितना माला माल हो रहे हैं सर, डिविडेंड पता भी है कितना पैसा दे रहा है सर ये डिविडेंड में, हैं सर 9-10% नहीं, 4.35% दे रहा है। मतलब किसी ने अगर 10 रुपये इन्वेस्ट किया तो सर क्या ही बताऊं, मतलब मुझे कैलकुलेट करके बोलना पड़ेगा सर, 400-500 रुपये तो सर केवल उसको डिविडेंड मिल जाएगा, किसी ने एक शेयर अगर उसने 10 रुपये में खरीदे तो। आप लोग बोले क्या बात कर रहे हो सर, कैलकुलेट करके मैं बस अंदाजे में आपको बता रहा हूँ, अंदाजे में बता रहा हूँ, कैलकुलेट करके अगर मैं आपको बताऊँ तो सर 4.35 का है सर, कितना खतरनाक है सर। इस कंपनी के पास देखोगे तो सर 350 करोड़ का तो रिजर्व रखा हुआ है, और हर साल सर इस कंपनी का रिजर्व बढ़ता रहता है। बस टेंशन इस बात की है कि सर इस कंपनी को कोई खरीद नहीं सकता, जब लोअर सर्किट देखने को मिलेगा तभी खरीद सकते हैं सर। और सर पूरे साल में सर 10-15 दिन या 20 दिन, पता नहीं, जोड़ के बोलना बहुत कम है, ठीक है मैं अंदाजे लगा के बोल रहा हूँ, मतलब इतना समझ लीजिए एक साल के अंदर बहुत कम ही सर ये स्टॉक ट्रेड होता है, बहुत कम। अगर ये लोअर सर्किट मिल गया, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो गिरावट हुआ था, तो ये देख सकते हो जो स्टॉक यहाँ से 20 रुपये से गिरते 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 सर यहाँ पे देख लीजिए 2 रुपये तक चला गया था, तो अगर लोअर सर्किट लग गया तो सर आप समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम चांस है कि सर ये मिल पाए। 70% तो सर प्रमोटर्स नहीं खरीद रखा है, बाकी सब पब्लिक, तो पब्लिक के अंदर भी सर समझदार लोग हैं जिन्होंने 9-10% लगा रखा है सर। ये वो कंपनी है जो डिविडेंड क्या इतना पैसा देगा सर डिविडेंड में कि क्या ही बताऊँ आपको, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिल नहीं पाएंगे सर सोचिए। और बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो सर डेट फ्री कंपनी है सर, सर मात्र 2 करोड़ डेट फ्री कंपनी अगर आप देखना चाहते हो तो छोटे स्टॉक्स में भी बहुत अच्छे वाले कंपनियां होते हैं अगर आप ढूंढोगे तो। और ढूंढने की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ढूंढने के बाद सबसे पहले आपको बाय करना होगा सर, याद रखिएगा सर, सबसे पहले बाय करना होगा सर। तो ये मत बोलिए पेनी स्टॉक खराब होते हैं, नहीं सर, छोटी कंपनियां भी अच्छी होती है, बस हम उनके लायक नहीं होते हैं सर कि हम उसको रिसर्च कर पाए, क्योंकि सर बहुत मेहनत लगता है सर। 100 अच्छी कंपनी को लिस्ट निकालो, उसका पूरा बायोडाटा देखो, पिछले 5 से 8 साल का हिस्ट्री देखो, क्यों गिरा, क्या नहीं हुआ, क्या मैनेजमेंट चेंज हुआ, क्या बिजनेस चेंज किया इन्होंने, कितना पैसा है, कितना डेट लिया, क्या वैल्यूएशन चल रहा है, सबको कंपेयर करने के बाद सर 3 से 4 कंपनी मिलती है सर, और उस 3-4 में से सर हम खरीदना पड़ता है 1 या 2, और तब जाके कब चलता है बोलना मुश्किल होता है सर, तब जाके हो सकता है 3 साल 4 साल या 5 साल टाइम ले, तब जाके चलना स्टार्ट होता है सर।
एनालाइज़ करने में, ढूंढने में बहुत टाइम, एनर्जी, मनी, ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये वीडियो के माध्यम से हमें ये सीखने को मिला कि पेनी स्टॉक्स में भी बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ होती है जो 5,000-10,000 लगाने से भी लाइफ चेंज कर सकते हैं सर। लेकिन 5-10,000 तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन सर दिमाग लगाना पड़ेगा हमें उसको ढूंढने के लिए। और उसका पूरी तरीके से मैं आपको कंपनी के बारे में पूरा एनालाइज़ करके फंडामेंटली मैं आपको बताऊंगा। 3-4 दिन का मुझे टाइम दीजिए, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए, तो मैं चैनल पे अपलोड करूंगा, तो जितने लोग हैं वो देख पाएंगे सर चैनल पे। और अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं तो अपने डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में रहेगा सर। IPL के साथ भी, टाटा IPL के साथ भी एंजल ने पार्टनरशिप कर रखा है, जो कि बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।